सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में इस साल यानी कि 2020 में जो राज्यों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं शुरू की गई है या शुरू की जाएगी, उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस साल अभी तक हमारे 3 महीने खत्म हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 महीने में जो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हम इसके आगे पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, और लाइक करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर इन क्वेश्चंस की आप टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्विज चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं अपनी क्रिक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे उसको भी अपलोड करवा दूंगा। जो भी होगा यहाँ पे आपके इंप्रूवमेंट के लिए होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अभी अभिनंदन योजना की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है असम। तो इसमें क्या होगा, अगर असम राज्य का कोई छात्र है, अगर वो हायर एजुकेशन करने के लिए पैसे चाहता है, तो उस छात्र को ऋण में 50,000 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार, और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो हायर एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा का लोन लेते हैं। असम की बात है तो कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। फिर है, वाईएसआर आरोग्य श्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखो वैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी योजना वाईएसआर से शुरू हो रही है तो वो कहाँ की होगी, आंध्र प्रदेश की होगी। ये एक चीट कोड आप समझ लो, कोई भी योजना वाईएसआर शुरू हो रही है मतलब वो आंध्र प्रदेश की है। उसी तरह से कोई भी योजना मो से अगर शुरू हो रही है, जैसे मो बस योजना, मो परिवार, मो साइकिल योजना, मो से शुरू होती है तो वो उड़ीसा की होगी। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लो। अब इस योजना में क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, वर्तमान में इसकी कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कई बार पूछा जाता है, तो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। फिर है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो ये 12.55 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है ये स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें वो सामान्य बीमारी में तो 5 लाख रुपए का और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकेंगे। ये योजना भी 1 अप्रैल 2020 से ही लागू हुई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री अभी फिर से बन गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी दास टंडन है। फिर है, किस राज्य के विश्वास व नेत्रंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। देखो यहाँ पे विश्वास का मतलब होता है वीडियो इंटीग्रेटेड एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, और इसके अंतर्गत गुजरात के 33 जिलों में कमांड एंड कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। साथ में इन्होंने ई चालान के लिए एक पोर्टल का भी उद्घाटन किया था। इनका अमित शाह जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो यहीं पर है, गुजरात के गांधीनगर में। गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है, और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है। फिर है, किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, इसमें अगर किसी किसान की खेत में काम करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन अगर वो 60% से ज़्यादा विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख की सहायता दी जाएगी। और इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी एज लिमिट 18 से 70 वर्ष के बीच में है। इसके अलावा अभी इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना भी शुरू की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। फिर है, किस राज्य की सरकार के द्वारा शिव भोज योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें गरीबों को मात्र 10 रुपए में भोजन दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। फिर है, युवा स्वाभिमान योजना ये किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। और जब कमलनाथ जी थे वहां के मुख्यमंत्री, उस समय इसको शुरू किया गया था फरवरी 2019 में। पर अभी इसमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया गया प्रतिमाह। और पहले जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अभी उसको बढ़ा करके 365 डेज का कर दिया गया। बाकी एमपी के बारे में आपको पीछे ही बता चुका हूँ, जब हमने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करी थी। कैपिटल भोपाल है, अभी इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी दास टंडन हैं। फिर है, वाईएसआर पेंशन कनुका योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। तो बेसिकली ये एक डोर स्टेप पेंशन योजना है। इसमें वृद्ध व्यक्तियों को
पेंशन के लिए किसी कार्यालय में दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, उनकी पेंशन उनको घर पर ही मिल जाएगी। और इसके साथ में पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की उम्र 65 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, YSR आरोग्य श्री योजना जो हमने पढ़ी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर है कि राज्य सरकार के द्वारा जन सेवक योजना शुरू की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है कर्नाटक के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सरकारी सेवाएं हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो आपको घर पर ही दी जाएगी। जैसे कि आपको राशन कार्ड बनवाना है, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवाना हो, या फिर आपको स्वास्थ्य कार्ड बनवाना हो, कोई भी सुविधा होगी वो आपको घर पर मिल जाएगी। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर हरियाणा राज्य के किसी व्यक्ति की वार्षिक आय यानी कि ईयरली इनकम 1.8 लाख रुपए तक है और उसके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, तो उसे एक साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसी तरह से आपको एक केंद्र सरकार की भी योजना याद आ रही होगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें भी क्या होता है किसानों को 2,000 रुपए करके साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। हरियाणा की बात करेंगे तो कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। फिर है किस राज्य में अंगन फू हुनबा यानी कि अर्ली पैडी क्रॉप नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर के जो आपके मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह, उन्होंने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसकी शुरुआत की है, इसका लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो इसमें होगा क्या, इसमें किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मणिपुर की कैपिटल हमने कहा इम्फाल है और मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। फिर है किस राज्य की पुलिस ने विशिष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए अप्रिशिएट एंड कमेंड योजना की शुरुआत की है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब सरकार ने। तो पंजाब पुलिस के जो DGP हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसमें जो योग्य पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, हरियाणा की भी यही है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। फिर अभी केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए किस बैंक के साथ $450 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो अभी दिसंबर में 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, अटल जी का जयंती मनाते हैं, तो उसी दिन अटल जी के नाम पे इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा यानी कि भूजल समस्या से निपटने के लिए ये योजना शुरू की गई है और इस योजना का लाभ 7 राज्यों को मिलेगा, यानी कि 7 राज्यों को चयन किया गया है। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक। और आपको बता दूं इसी समय अटल जी के नाम पे एक टनल, एक सुरंग का भी नाम रखा गया था, बता सकते हो कौन सी सुरंग, रोहतांग सुरंग। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1944 में हुई, Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और इसके MD CFO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, भारतीय मूल की हैं ये, अंशुला कांत इनका नाम है। फिर है किस राज्य सरकार ने नाडू नेडू योजना को लॉन्च किया, तो आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब इसमें क्या होगा, तो जो राज्य के सरकारी स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में उनकी पढ़ाई कराई जाएगी। अच्छा, इसी से मिलती जुलती एक रिलेटेड योजना मैं आपको याद दिलाऊं, तो जनवरी में ही वो शुरू हुई थी, अम्मा ओडी योजना, आंध्र प्रदेश ने उसको शुरू किया था, जिसमें क्या था, जिसमें वो सभी माताएं जो अपने बच्चों को लगातार 12वीं कक्षा तक स्कूल में भेजेगी उन्हें 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, तो वो भी आप ध्यान रखना। फिर है किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसती दिवेना योजना को लॉन्च किया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। अभी इसको फरवरी में ही लॉन्च किया गया था। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा के बाद अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को उनके हॉस्टल का, उनके मेस खाने वगैरह का खर्चा दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो जो ITI वाले स्टूडेंट हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कोई बच्चे तो उन्हें 15,000 रुपये दिए जाएंगे और स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर है लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं ओम बिरला जी, उन्होंने किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान को लॉन्च किया, तो आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। तो राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और जो हमारी कपड़ा व महिला बाल विकास मंत्री हैं
स्मृति ईरानी, उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इसे शुरू किया है और इसके पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलो संतुलित आहार के 1000 किट दिए गए। और जो ये ओम बिरला जी हैं, कोटा बूंदी क्षेत्र से ही ये सांसद हैं, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और जयपुर के परकोटे को अभी वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, पिंक सिटी भी इसे कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। फिर एक किस राज्य की सरकार ने भ्रमण सारथी योजना की घोषणा की है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने जो वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया था उसमें इस योजना की घोषणा की गई थी। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुवाहाटी में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी। फिर एक किस राज्य की सरकार के द्वारा नई राहें नई मंजिलें योजना की घोषणा की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसे भी वर्ष 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें राज्य के जो भी पिछड़े हुए स्थान है उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। देखो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। और मैंने याद रखने की डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में आपको ट्रिक भी बताई थी, ऐसे याद रख लो, नहीं याद रहता है तो एस से समर एस से शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर है। फिर है किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की घोषणा की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र के जो वित्त मंत्री है अजित पवार, उनके द्वारा 2020-21 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस वक्त इसकी घोषणा की गई थी। तो इस योजना में क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत जो भी शिक्षित बेरोजगार है राज्य के उनको नए उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ 1,00,000 नई औद्योगिक इकाइयां भी बनाई जाएगी। अच्छा आप ये भी ध्यान रखें कि महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के अंतर्गत किसानों के 2,00,000 तक के ऋण को माफ करेगी। अच्छा आप ये भी ध्यान रखें कि महाराष्ट्र सरकार महात्मा ज्योतिराव फुले योजना के अंतर्गत किसानों के 2,00,000 तक के ऋण को माफ करेगी। फिर एक किस राज्य की सरकार के द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो आरोग्य मित्र होंगे ये स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारियां देंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 3 योजनाएं भी शुरू की है। 3 योजनाओं के नाम याद रख लो, कौशल सतरंग, युवा हब और प्रशिक्षुता योजना यानी कि अप्रेंटिसशिप स्कीम। फिर है किस राज्य की सरकार के द्वारा उत्तरण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाए जाएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी असम सरकार के द्वारा। तो आप इसे इतना याद रखें कि असम सरकार ने उत्तरण योजना की घोषणा की थी और इसके अंतर्गत कितने स्टेडियम बनाए जाएंगे राज्य में, 33 स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो गाइज ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट था, हमने लगभग 20-21 क्वेश्चन इसमें कवर किए, ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे और एक बार देखेंगे आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है इस वीडियो पे। अगर व्यूज अच्छे आते हैं, रेस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहता है, अगर आप लोग इसे शेयर करते हो तो इसे हम पूरे साल भर कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट बनाते हुए सारी योजनाएं आपकी कवर करा देंगे और साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहे उसके लिए अपनी क्रेक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे इसका क्विज बना करके भी अपलोड कर देंगे। तो फिर जब भी आपको वक्त मिले आप क्विज लगाते रहो, बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं, क्विज लगाओ। जितनी क्विज लगाओगे आपका रिविजन होगा और आपको चीजें माइंड में सेट होती चली जाएंगी। थैंक यू गाइस।